पार्लियामेंट की अक्सरियत मुल्क में कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर एक और साथ कराने की ख्वाहिशमंद है। तफसीलात चीफ रिपोर्टर रजा आबिद मुस्तफा की इस रिपोर्ट में। ये तासर आम है कि हुक्मरान इत्तेहाद मुल्क में आम इंतखाबात फौरी नहीं चाहता, इसका सबब क्या है? आइए इस सवाल का जवाब लेते हैं अराकीन पार्लियामेंट से। इलेक्शन टाइम पे हो तो मसले का हल होगा ना, टाइम पे होना चाहिए। नहीं, उसमें एक तो क्योंकि सेंसस का मैटर है, क्योंकि सिंध के लोगों को इस बात पर बड़ा इख्तलाफ है और वो हकीकी भी है कि हमारे जो है आबादी को इस तरह ना गिना गया है कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी जो अभी न्यू सेंसस होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस प्लस सेंसस से हम हो जाएंगे तो सीटें बढ़ेंगी, तो फिर हमारे अवार्ड भी जो हमें मिलता है इकानमी वो भी ठीक हो जाएगा और लोगों की सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी और कम खर्च होगा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, हमें तो हर वक्त हर घंटे हर मिनट तैयार होना चाहिए कि जब भी इलेक्शन हो हमें इलेक्शन लड़ना है। सवाल ही नहीं पैदा होता इलेक्शन से कोई फरार हो सके, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए, पार्टियों को घबराना नहीं चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई दो महीने आगे मान जाए कोई दो महीने पीछे कर दे, इलेक्शन से फरार नहीं सियासतदान को करना चाहिए। नहीं, इलेक्शन कौन नहीं चाहता, सियासत में सबसे पहली ज़रूरत यही होती है कि बजरिया इलेक्शन जो है ना जमहूरी हुकूमत मार्ज वजूद में आए। लेकिन मौजूदा हालात में जब हम फिनंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मुल्क में दहशत गर्दी है, फिर और इतने मसाइल हैं जो इलेक्शन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो पहले उनसे उन मसाइल से ओहदा बरा होने की ज़रूरत है, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए ताकि इलेक्शन सेटिस्फैक्ट्री हों और सबको उन पर एतमाद हो। बिल्कुल, ये तो जमात इस्लामी का मुतालबा है, हमारा मुतालबा है, हम कहते हैं कि कौमी असम्बली को रिजॉल्व करें और कौमी असम्बली चारों सूबाई असम्बलियाँ एक ही वक्त में इलेक्शन हो, ये लोगों के लिए भी काबिल कबूल होगा और फिर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, हाँ खर्चा वो तो है ही लेकिन सियासी इस्तेहकाम के लिए भी ये बुनियाद बनेगा। देखिए, मैं यही समझता हूँ कि कोई बीच में बैठ के ना, असल मसला इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन तो 1970 से लेके अब तक हो रहे, 1970 का इलेक्शन हो गया ना, आपने देखा कितनी विकास अपने के इलेक्शन कराओ हो गया, रिजल्ट हुआ पाकिस्तान 2 लाख हो गया। फिर 1977 का इलेक्शन हो गया, आपने देखा कि दुल्फकार भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, मार्शल लॉ लग गया। अराकीन पार्लियामेंट की अक्सरियत का कहना है कि मुल्की मईशी सूरतहाल को देखते हुए ज़रूरी है कि मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर एक साथ हों। कैमरामैन नुमान मुबारक के साथ रजा आबिद मुस्तफ़ा, रोज़ न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।